साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एक बार फिर से इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। लाइव हूं तो आपसे संवाद भी करूंगा दोस्तों, लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें दिखाऊंगा जिसको देख करके आपको डर भी लग सकता है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जाना चाहते हैं तो ये खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी देश में प्रधानमंत्री के रोड शो में जब कुछ बच्चे चले गए तो स्कूल प्रशासन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जाना अपराध हो गया और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट पर इतनी सारी धाराएं लाद दी गई कि आप सोच नहीं सकते। फिर यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने किस प्रकार से सख्ती दिखाई, क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी। न्याय के जो कॉन्सेप्ट को लेकर चले हैं और न्याय क्या कर रहे हैं आपको भी पता है, लेकिन इस घोषणा पत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें तो आपको दिखाई, लेकिन अभी मैं आपको दोस्तों अपने रिसर्च के जरिए यह दिखाऊंगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी वही बात बोल रहे हैं जो दुनिया भर की मीडिया कह रही है, और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने का, उनके खिलाफ नैरेटिव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। मैंने बड़े रिसर्च के साथ आज मैं आपको दुनिया भर के समाचार पत्र, मीडिया हाउसेस कैसे इस देश के लोकतंत्र को देखा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। आपको और हमें तो यही लगता है ना दोस्तों कि हम लोगों के घोषणा पत्र को देखते हैं, वादों को सुनते हैं, हकीकत देखते हैं और उसके बाद हम जाकर वोटिंग कर डालते हैं। लेकिन ये वर्ग ऐसा है दोस्तों, ये लेफ्ट लिबरल गैंग का वर्ग है जिनको इस पर भरोसा नहीं है। उनको पता है कि मोदी को हम 2004 की तरह, जैसे वाजपेयी जी को हराया था, मोदी को भी उसी नैरेटिव में गूथ करके हराया जा सकता है। सारे घोड़े खोल दिए गए हैं, ऐसे ऐसे घोड़े। तो राहुल गांधी ने आज उस पर एक बड़ा बयान दिया, वो आपको सुनाऊंगा और सारे मीडिया रिपोर्ट दिखाऊंगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाना किस प्रकार से गुनाह हो गया, तो प्रधानमंत्री मोदी वाली बात तो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन शुरुआत में मैं दोस्तों आपको राहुल गांधी के एक बयान से करता हूं। राहुल गांधी ने जो कहा है वो आपको दिखाता हूं। उन्होंने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया, खूब लंबा चौड़ा भाषण दिया, उस भाषण के कई हिस्से मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन एक मुद्दे पर विशेष तौर पर मैं फोकस करना चाहता हूं ताकि सारी रिपोर्ट जो रिसर्च के साथ निकाली है वो आपको दिखा सकूं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बचाने का नैरेटिव दिया। अब आप जानते हैं ना, टेप रिकॉर्डर वही है, 2014 से चला आ रहा है। बल्कि मैं आपको किसी दिन दोस्तों ये भी दिखाऊंगा कि ये जो टेप रिकॉर्डर है ना लोकतंत्र बचाने वाला, ये नेहरू के समय से चला आ रहा है। उस समय भी वो लोगों को डराते थे कि अगर आप सचेत नहीं हुए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इंदिरा गांधी भी डराती थी, जिन्होंने इमरजेंसी थोप दी, और राजीव गांधी, तमाम कांग्रेसी। और फिर वही नैरेटिव आज 2024 के चुनाव से पहले फिर से वही टेप रिकॉर्डर बजा दिया गया। आपको पहले बयान सुनाता हूं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट एक एक करके दिखाता हूं, आप सुनिए। चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। सुन लिया आपने दोस्तों इस टेप रिकॉर्डर को, बहुत सारे लोगों ने जय सियाराम कहा है, आपसे संवाद करूंगा बीच बीच में, लेकिन थोड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं पहले। और आपको तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में या रोड शो में जाना कैसे गुनाह हो गया वो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब जो ये नैरेटिव राहुल गांधी ने देने की फिर से कोशिश की है, दरअसल विदेशी मीडिया के साथ सेटिंग हो गई है। कैसे, मैं आपको हाल फिलहाल के कुछ अखबारों की कटिंग दिखाता हूं, क्लिपिंग्स दिखाता हूं।
आप ये देखिए बड़े ध्यान से, ब्रिटेन का समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स, बड़े ध्यान से इसको देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इन गुड शेप। अभी फाइनेंशियल टाइम्स ने हाल ही में जो एडिटोरियल प्रकाशित किया है उसमें यह लिखा है कि द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इन गुड शेप। भारत की लोकतंत्र पर एक तरफा रिपोर्ट, एक तरफा ओपिनियन देने वाला ये जो फाइनेंशियल टाइम्स है, कौन चलाता आपको पता है? ये अमेरिका का बदनाम उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के पैसे ऊपर चलता है। और जॉर्ज सोरोस का नाम लेते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे, जिसने कसम खाई है पैसे बर्बाद कर रहा है कि मोदी को हटा देना है। भैया अमेरिका का उद्योगपति भारत में मोदी से कौन सी दुश्मनी है भाई? क्यों $1 बिलियन बर्बाद कर रहा है? उसके पैसों पर चलने वाला ये फाइनेंशियल टाइम्स बता रहा है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इस एडिटोरियल में भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आयकर न देने के मामले पर कांग्रेस पार्टी पर, साथ में वो आयकर विभाग वाला जो कार्रवाई हुई है, इन्हीं दोनों को केस स्टडी बनाकर यह बता दिया कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इन इंडिया द गैप बिटवीन प्रो डेमोक्रेटिक रिटोरिक एंड रियलिटी इज वाइडनिंग, इस रिपोर्ट में लिखी हुई है। आप सोचिए, और इन्हीं मामलों को, ये मामले मोदी सरकार नहीं चला रही है, ये तो कानून सम्मत कार्रवाई है। हम जानते हैं ना अदालतों में कितने बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, अगर मोदी सरकार चलाती तो मोदी सरकार रोक नहीं देती। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों पर रोक लगा दी, आपको पता है ना, जो उत्तर प्रदेश में मदरसों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मोदी सरकार चलाती तो रोक नहीं देती, आप खुद सोचिए। और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो नैरेटिव के तौर पर दिया गया, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को यह नजर नहीं आता। उसने कह दिया, मान लीजिए कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, और यही बात मैंने आपको शुरू में राहुल गांधी के बयान में सुनाया, और यही काम जो ब्रिटेन का फाइनेंशियल टाइम्स कर रहा है। अब आप देखिए अमेरिका का ब्लूमबर्ग पढ़िए, इसको एनडी मुखर्जी ने लिखा है, एक लेख लिखा है, और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को टारगेट करते हुए लिखा है कि यदि वो तीसरा टर्म जीत रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कैसे, वाई इज मोदी सो नर्वस इफ ही इज विनिंग अ थर्ड टर्म? बड़ी चिंता है ब्लूमबर्ग को दोस्तों, बहुत चिंता है। लेकिन इस चिंता के पीछे जो नैरेटिव है उसको समझिए। हम कई बार इग्नोर कर देते हैं दोस्तों, हमें लगता है कि अरे ठीक है, कह रहा है, कहने दो। लेकिन नहीं, एक ही बात कह कह कर आपके जहन में एक ऐसे विचार पैदा कर दिए जाते हैं जहां आपको फिर किसी खास दल, किसी खास पार्टी या किसी खास नेता से नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसमें लिखा है द इंटिमिडेशन एंड अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जस्ट बिफोर इंडियाज इलेक्शन डजेंट शो कॉन्फिडेंस, जस्ट द ऑपोजिट, ये लिखा हुआ है। और मैंने सारे मीडिया, जो विदेशी मीडिया के अखबार हैं या मीडिया संस्थान है, उसकी रिपोर्ट खंगाली है दोस्तों, और अभी मैं आपको दो दिखाई हूं, आगे बहुत सारे आपको दिखा रहा हूं। तो आप सोचिए, जो विदेशी मीडिया कह रहा है वही बाइट मैंने आपको राहुल गांधी की सुना दी है। अब एक और आपको दिखाता हूं, ये देखिए फ्रांस का ले मोंडे, ये देखिए, ये समाचार पत्र भी अदालत के इन्हीं फैसलों पर लिखता है कि भारत में लोकतंत्र केवल नाम भर का रह गया है। आप लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे हैं, अब तो यहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब तो आपके बोलने पर पाबंदी होगी ना, अब तो आप कुछ नहीं करते होंगे, अब तो सारा काम सरकार से पूछ के ही चलता होगा। क्या महसूस करते हैं आप ऐसा? मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया के किसी देश में उस देश के प्रधानमंत्री को उसी देश के भीतर ओपोनेंट इतनी गालियां देते हो, मार देने की धमकी देते हो,
खुलेआम सरकारी अधिकारियों को धमकी देते हो, उस देश के बहुसंख्यक धर्म को समाप्त करने की खुलेआम वकालत करते हो और उसके बाद भी कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। क्या लिखा है ये फ्रांस वाला, द हिंदू नेशनलिस्ट क्रिएशन ऑफ अ डीपर स्टेट इंडिया डेमोक्रेसी इन नेम ओनली। भारत में सिर्फ लोकतंत्र नाम भर का रह गया है। आपकी हमारी जिम्मेदारी बड़ी है दोस्तों। हम देश के भीतर या विदेशों में भी बहुत सारे व्यूअर होंगे, वो बता सकेंगे और अच्छे से, जो वहां रहते हैं, वहां के अखबारों को पढ़ते हैं। जरा देखिएगा जो मैं कह रहा हूं, बताइएगा अपने कमेंट में कि ये सही है या नहीं है। किस प्रकार से भारत के खिलाफ एक चौतरफा हमला करने की रणनीति गूंथी जा रही है। अशोक भाटिया जी लिख रहे हैं, यू हैव एक्सपोज्ड ऑल द पार्टीज विद योर एक्सीलेंट एंड हार्ड वर्क। थैंक यू सर। रमेश गांधी लिख रहे हैं, जिसने सच्चे प्रभु प्रेमी मोदी जी से पंगा लिया वो बर्बाद हो गया। अब आप देखिए ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है दोस्तों, मैं आपको अब पाकिस्तान का एक अखबार दिखाता हूं, नेशन, द नेशन, ये पाकिस्तान का आप देखिए, ये भी भारत में लोकतंत्र का उपदेश दे रहा है। अब आपको क्या कहा जाए, इंडियन डेमोक्रेसी एट स्टेक, भारत का लोकतंत्र जो है वो स्टेक पर है। अब सोचिए, और पाकिस्तान का लोकतंत्र कैसा है, चलिए भारत का लोकतंत्र स्टेक पर है, खतरे में, कभी भी खत्म हो जाएगा मान लिया चलिए, लेकिन पाकिस्तान का लोकतंत्र कैसा है, बहुत अच्छा है। 70 साल से वहां लोकतंत्र को किस प्रकार से कुचला गया है ये तो किसी से नहीं छिपा है। आप जरा पाकिस्तान वाले मामले में भी बताइएगा, और अभी हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव भी हुआ, आपको पता होगा, और कैसे वहां की सेना ने पूरे रिजल्ट को ही बदल दिया। आप सोचिए, इमरान खान चुनाव ही नहीं लड़ पाए, इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया गया, सारे लोग निर्दलीय के तौर पर लड़े और उनकी संख्या ज्यादा थी और सेना ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। कहां का लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र। और वहां का अखबार द नेशन कह रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी एट स्टेक। अब ये वही लेफ्ट लिबरल गैंग है दोस्तों, जो कांग्रेस मोदी जी पर आरोप लगाती है कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, वो खुलेआम अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हम संविधान बदल देंगे, हम मानहानि का सारा केस ही हटा देंगे, अपराधी नहीं रहेगा, जिसको जो गाली देनी है देते रहो, भ्रष्टाचार के मामले में जो सख्ती हो रही है खत्म कर देंगे, अब खुलेआम सब भ्रष्टाचार करेंगे, यही कहा गया है। और वही नैरेटिव लोकतंत्र को लेकर दुनिया भर के अखबार कर रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान का मैंने आपको दिखाया। अब आपको एक और दिखाता हूं, आगे बढ़िए, यह है अमेरिका का द इकोनॉमिस्ट, बड़े ध्यान से देखिए, शिकाहा सेन ने लिखा है, नाउ कंडीशन बेटर, यूपी का प्रोग्राम मिस किए इसलिए एचबी इस बार मोदी भाई 400 पार करेगी, विरोधी एंड अदर्स बाहर वाले। थोड़ा और क्लियर रखिए तो फिर आपकी बात लिखता हूं, कहता हूं मैं। ये देखिए द इकोनॉमिस्ट को देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी को ये अखबार देश के लोकतंत्र पर बदनुमा दाग बता रहा है। अब आप सोचिए कि मतलब आप भ्रष्टाचार करें, आप देश की संपत्ति को लूट लें, आप देश के खजाने को शराब घोटाले के जरिए बर्बाद कर दें और उस पर कार्रवाई ना हो, और कार्रवाई होगी और अदालती कार्रवाई होगी, तो आप कहेंगे लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। जबकि याद रखिए दोस्तों, पहले ये हेडलाइन पढ़िए, मैं आपको दिखा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल्स इम्प्रिजनमेंट इज ए स्टेन ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी, ही इज द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर इन द कंट्रीज हिस्ट्री टू बी अरेस्टेड। अब केजरीवाल तो बड़ा विशेष है ना, मैं तो देख रहा था कि जिन 4 लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो हैं कौन, मदर टेरेसा, अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, कौन है ये सब, और सब क्या करते हैं आप खुद सोचिए ना। अच्छा एक बात आप और सोचिए,
कि अरविंद केजरीवाल से पहले गिरफ्तारी नहीं हुई क्या? मैंने तो आपको दिखाया भाई, लालू यादव भी थे, गिरफ्तार हुए थे ना, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, जयललिता भी, और दूर क्यों जाना दोस्त, आप हाल में जाइए ना। ये हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी भी, अच्छा तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, किसी ने नहीं लिखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का रैकेट क्या है समझना बड़ा मुश्किल है। कि जैसे ही ये गिरफ्तार हुए, भारत की का जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ गया। और ये जो द इकोनॉमिस्ट में लेख लिखा है, किसने लिखा है मैं थोड़ा और बता देता हूं, यामिनी अय्यर, ये कौन है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में लोकतंत्र को नुकसान हुआ है। और यामिनी अय्यर के बारे में देख रहा था कि अभी हाल ही में इन्होंने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की चीफ एग्जीक्यूटिव पद से इस्तीफा दिया है। और ये जो संस्था है दोस्तों, ये दिल्ली में स्थित एक स्वयंसेवी संस्था है। आप देख लीजिए, यामिनी अय्यर लेमेंट्स द डैमेज डन टू इंडियन डेमोक्रेसी अंडर नरेंद्र मोदी। अब आप कुछ भी मोदी जी से प्रेम करते रहिए, मैं तो बहुत सारे वीडियो अभी देख रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां दूर दराज किसी गांव में बूढ़ी बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग आदमी, युवा, मतलब कई कई किलोमीटर चल करके पीएम मोदी की रैली में पहुंचता है। लोग पूछ रहे हैं क्यों आए, किस लिए, बोला मोदी के जिताएंगे, क्यों, अरे उसने, उन्होंने सब दिया, जो घर के लोगों ने नहीं दिया उन्होंने दिया, पेंशन से लेकर के सारी चीजें, सारी सुविधाएं जो महिलाओं के लिए दिक्कत होती है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये तो इनका जो स्वार्थ है वो खत्म हो रहा है। जो ये कुछ लोग तंबू गाड़ करके बैठे हुए थे ना दिल्ली में, एलिट क्लास के लोग, जिनको खान मार्केट गैंग भी कहा जाता है, इन गैंग का तो अब चल नहीं रहा है भैया। यहां तो ऐसा है ना कि पहले के शासन काल में जो लेफ्ट लिबरल सिस्टम चलता है, वहां ऊपर के कुछ लोगों को संतुष्ट कीजिए, उनको लाखों रुपये देते जाइए, बस वो माहौल बनाते जाएंगे देश में घूम घूम कर, फिर नीचे के लोगों को सुनता कौन है, फिर तो आपके पास विकल्प ही गड़बड़ होते हैं। ये बहुत बुरा है, वो उससे थोड़ा सा बुरा है, वो उससे और बुरा है, अच्छा का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उस गैंग को ही खत्म कर दिया है, उस गैंग के लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो अब वो गैंग पीएम को बदनाम कर रहा है। आप सोचिए, ट्विन गेमर, एक हाथ दो कर पड़ा है, आप क्या लिख रहे हैं, अशोक भाटिया, इफ नॉट फ्रॉम योर सोर्स वी कुड नॉट हैव नोन अबाउट द मैलिफाइड इंटेंशन ऑफ फॉरेन रिपोर्टर्स। इसीलिए अशोक जी मैं ये दिखा रहा हूं, मिथिलेश चौधरी जी लिख रहे हैं, इस बार का चुनाव भारत के भ्रष्ट राजनीतिक दल और पश्चिम के वो देश जो भारत को मजबूर देखना चाहते हैं उसके बीच है। भारतीय को मजबूत सरकार चुनकर जवाब देना चाहिए। और रमेश गांधी जी लिख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनने से पहले दुनिया के अनेक मुल्क परेशान है, भारत में दलाली करने वालों की दलाली सदा के लिए बंद होने जा रही है। लेकिन मैं आप सबसे जरूर निवेदन करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें खोज कर निकालता हूं, दिखाता हूं, तो ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अब इतनी सारी रिपोर्ट, अभी मैं आपको ढेर सारी चीजें दिखा रहा हूं बहुत संक्षिप्त में, ताकि आपको पता चले कि भारत के लोकतंत्र को विदेशी मीडिया कैसे देखता है, किस प्रकार से बदनाम करता है। अब आप देखिए, ये है अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी दोस्तों केजरीवाल का महिमा मंडन कर रहा है। भ्रष्टाचार करने के मामले में अदालत के द्वारा जेल भेजे गए केजरीवाल को विपक्ष का बड़ा नेता बताया गया है। यही है, इनसे किसी ने पूछा नहीं लगता है कि कितने सांसद हैं, जीरो, एक सांसद थे वो भी भाजपा में शामिल हो गए, क्योंकि उनको पता है कि जीत यही मिलेगी, और उसके बाद इनको बड़ा नेता बताया जा रहा है। अब इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता जो काम मीडिया कर रही है, कि जिस आदमी के पास एक भी सांसद नहीं है वो दिन भर मीडिया मैनेज कर रहा है, फुटेज खा रहा है, और मीडिया वाले भी उसी को दिखा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों ऐसा करता है,
इसको समझना रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त, आप समझ लीजिए। जब एक मजबूत सरकार होती है ना, तो मीडिया वालों की बेकार जो मांगे हैं या दबाव है उसके आगे झुकती नहीं है, उसको काम करना है, वो काम करती है। लेकिन जब सरकार में ये मतलब वो नहीं होता, ताकत नहीं होती, बटा होता है, तो मीडिया वालों के तो बारे न्यारे हो जाते हैं, बड़ा फायदेमंद चलता है, बड़े पैसे आते हैं। इसीलिए मीडिया वाले क्या बोलेंगे आप खुद सोचिए। अब आप देखिए, एक मैं आपको ब्रिटेन का दी गार्जियन दिखाता हूं, देखिए यही नैरेटिव है। इंडियन ओपोजिशन क्लेम कॉन्स्पिरेसी एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड, दी गार्जियन ब्रिटेन का है। और ब्रिटेन का मामला तो गजब है, जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बना के रखा, वो हमको लोकतंत्र सिखा रहा। बताइए ना भाई, तुम्हारे यहां तो लोकतंत्र ही था ना, तो तुमने हमें क्यों गुलाम बनाया? और यहां पर जाते जाते भी गजब गजब सिद्धांत दे गए लॉर्ड मैकॉले की, कि आप शरीर से तो भारतीय हैं, दिमाग से तो ब्रिटिश हो गए, आपकी सोच वही हो गई। नेहरू को बनाया प्राइम मिनिस्टर, जिनको एक वोट नहीं मिला, और फिर दो राष्ट्र की थ्योरी भी दे दी, वही सारे गुण दे दिए दोस्तों। वही दी गार्जियन जो है बता रहा है कि आपका लोकतंत्र खतरे में है। फ्रांस का जो ली मोंडे मैंने दिखाया, एक और रिपोर्ट देखिए दोस्तों, ये देखिए। इन इंडिया द गवर्नमेंट अगेन अरेस्ट एन ओपोजिशन फिगर। अब लिखने की बात तो ये हो सकती थी ना, कि शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, यही तथ्य है ना, कि शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए। ईडी ने सबूत पेश किया, कोर्ट ने उस बात को माना, उसको जमानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां तो लाइन अलग है, और यही मीडिया का खेल है दोस्तों। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं हेडलाइन से कैसे फर्क पड़ता, मैं आपको वो दिखाता हूं कि मान लीजिए सरकार ने महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे किसी को बदनाम कर सकते हैं या कैसे किसी के फेवर में लिख सकते हैं। महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया तो बोलेंगे सर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 7% बढ़ाया। अब अगर मुझे बुराई करनी होगी तो मैं क्या कहूंगा कि महंगाई में भी केंद्र सरकार ने मतलब ढेले भर का वो किया, सिर्फ महंगाई भत्ता सिर्फ 7% बढ़ा। अब कहने का तरीका बदल गया ना, तो ये वही तरीका है। इन इंडिया द गवर्नमेंट अगेन अरेस्ट एन ओपोजिशन फिगर, ये वही किया जा रहा है कि सरकार यही करती है, और सरकार सबको कुचल रही है। सरकार जो मोदी सरकार है वो लोकतंत्र को सहन नहीं कर पा रही है, लोकतंत्र खतरे में है भारत का, ये कहा जा रहा है दोस्तों। धीरज पटेल जी लिख रहे हैं, हरीश भाई देश की जनता अब होशियार हो गई है, अब वो कांग्रेस पार्टी की बकवास ढकोसले पर विश्वास नहीं करती है। अरविंद कुमार लिख रहे हैं, डीप स्टेट के द्वारा केजरीवाल को राजनीति में लाया गया है इसलिए परेशान है। और बुधमल सरन, सूत्रों का कहना है कि जो देश लाल यादव के बारे में नहीं बोलते, शिबू सोरेन के बारे में नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का पक्ष ले रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल ... मैं पढ़ूंगा नहीं ये वाला भैया। अब आप देखिए, एक और आपको दिखाता हूं, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में इसी नैरेटिव को गढ़ रहा है। देख लीजिए बड़े ध्यान से, मोदी फ्लेक्सिस मसल एज इलेक्शंस अप्रोच। कई बार हमें समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये नैरेटिव क्या है। ठीक है, लिख रहा है, लिखने तो कौन पढ़ता है, और इसी गलतफहमी के शिकार हम हो जाते हैं। वरना ऐसी कौन सी बात है दोस्तों कि इसी देश में आजादी के समय एक बड़े हिंदू संत की हत्या हो गई, वो देश भूल गया लेकिन महात्मा गांधी को बार बार याद दिलाया गया। इसी देश में कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े दंगे हुए, कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन गुजरात दंगा भूलने नहीं दिया गया, गोधरा भुला दिया। भाई इसी देश में सिखों के ऊपर कितना नरसंहार किया गया, कांग्रेस ने किया,
लेकिन सब भुला दिया गया। गांधी जी की हत्या के बाद चित्पावन ब्राह्मणों के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, मैं तो बाइट सुना चुका हूं, सब भुला दिया गया। इसी को नैरेटिव बोलते हैं दोस्तों। यही होता है नैरेटिव बिल्डिंग, कि आपके जहन से सारी चीजें ही उड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही काम ये लोग कर रहे हैं, और यही काम फॉरेन पॉलिसी के जरिए आपको समझना चाहिए। और आपको दिखाता हूं अमेरिका का फॉक्स न्यूज, ये देखिए, कृष्ण हल्दर जी, बनवाल जी, आपका ज्ञान और समझने से दिल्ली में जनता इस बार पार्टी को जरूर सबक सिखाएगी। और रविंदर सिंह लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पब्लिशिंग आर्टिकल्स शोज हाउ डीपली इन्वॉल्व्ड इज द डीप स्टेट इंक्लूडिंग यूएस, ईयू, यूरोप माने चाइना एंड फर्दर केजरीवाल इज देयर पाल विद हिज अरेस्ट एंड देयर प्लान्स स्टैंड डिफिटेड। अब आप देखिए, ये अमेरिका का फॉक्स न्यूज है, आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को भी प्रमुखता दे रहा है। इंडियाज पुलिस डिटेन डजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग रिलीज ऑफ ओपोजिशन लीडर। मतलब अमेरिका का एक चैनल, वहां का मीडिया संस्थान, अब मतलब उसकी दिलचस्पी का अंदाजा लगाइए ना, आप क्या चला रहे हैं। ये मीडिया कभी हमें भारत को भाव तक नहीं देता था। आप उठा लीजिए, जो लोग भी अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, वो जरूर लिखिएगा, जो बरसों से हो, दशकों से हो, बताइएगा कि क्या कभी वहां भारत की कोई खबर छपती भी थी। मुझे याद है, एक रिसर्च में आपको बताता हूं कि जब वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किया था तो उस समय खबर आई थी, मुझे अभी भी याद है, कि अमेरिका में तो भारत की खबर ही नहीं छपती, टाइम ये वो तमाम चीजों पे, वो तो वाजपेयी जी ने परमाणु बम ही फोड़ दिया, तो लोगों को लगा कि अरे ये न्यूज जानना चाहिए, बताया गया। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि अच्छा इतना बड़ा काम कर दोगे तो खबर नहीं छपेगी, खबर छपी और लोगों को लगा अच्छा इंडिया में ये हो गया। और अभी आप ये सब खबर छाप रहे हैं कि कोई एक पार्टी, जो दिल्ली की पार्टी है, जिसका एक भी सांसद नहीं है, उसके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और फॉक्स न्यूज उसको छाप रहा है। क्यों भाई, इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा ना दोस्तों, ऐसे तो कोई नहीं छापेगा। बताइए क्या स्वार्थ होगा, आप क्या समझते हैं? डॉक्टर पी के राय जी लिख रहे हैं, मजबूत लोकतंत्र का भारत में होना स्वयंभू विदेशी मठाधीशों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। उदय शंकर झा, इंडियन पीपल वांट्स ओनली मोदी। और कंडरपा जी, मैं नाम गलत बोल रहा हूं तो माफ कीजिएगा, जय सियाराम बोल रहे हैं, जय श्री राम, आपका विश्लेषण अद्भुत है और निडर से बात रख रहे हैं, थैंक यू सर। देवदत्त शर्मा जी, केजरी भारत के जेलेंस्की जेकर एको एमपी नहीं खे, अरे वाह बड़ा अच्छा लिखा है, एक भोजपुरी में भी गीत मैं बना रहा हूं। अब देखिए आपको दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये है एसोसिएटेड प्रेस, दुनिया भर की जो सबसे बड़ी एजेंसियां है ना, उसमें एक है एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस के लिए रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडी अलायंस की रैली को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में की जा रही थी। अब दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी रामलीला मैदान में इंडी अलायंस की रैली, जहां मैंने देखा कुछ रिपोर्ट में कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, जानते हैं 16,000 से लेकर 20,000 के बीच कार्यकर्ता आए थे, इतने ही, जिसमें इनकी सरकार है, पता चला पंजाब से भी लेके आए थे, लेफ्ट के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के थे, तमाम पार्टियों के थे, और उसके बाद भी इतनी बड़ी रैली और दिल्ली में रैली और 16,000 से 20,000 तक लोग पहुंचे। अब ये रैली कैसी थी आप खुद सोचिए, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस ने मोदी राइवल इज अरेस्टेड, नाउ सपोर्टर्स ऑफ द ओपोजिशन लीडर आर प्रोटेस्टिंग इन इंडियाज कैपिटल। क्यों इतना इंटरेस्ट है?
कभी सोचा आपने? अगर नहीं सोच पाए तो यकीन मानिए कि ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अगर हम अपने अपने हित और अहित को नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी है। ऐसा ही नहीं है कि ये सारे विपक्षी दल के नेता, राहुल गांधी खुद, तमाम नेता खुलेआम कोई जनता को धमकी दे रहा है, कोई सरकार को धमकी दे रहा है, कोई अधिकारियों को धमकी दे रहा है, लेकिन खुलेआम दे रहा है। दोस्त, इस बात को ध्यान रखिए। और सिर्फ समाचार पत्र ही नहीं, प्रेमनाथ लिख रहे हैं, प्रेमनाथ जी, नेहरू खानदान जो इतने दिनों तक देशद्रोहियों के बल पर सत्ता में रही है, उसका कई देशों में भारी निवेश है। अब पता नहीं कैसे आपने लिखा, मैं तो बिना तथ्य के नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो दिखाता जा रहा हूँ। मानस कुमार महापात्रा जी, एक्सट्रीमली डिसग्रेसफुल, हाउ कम अ करप्ट पॉलिटिशियन आउट इन बेल एंड मीडिया डूइंग हिज इंटरव्यूज। और देखिए ना, कल ही मैंने देखा कि कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, अब कोर्ट को भी ये ठेंगा दिखा रहे हैं। शराब घोटाले में अपने लिए नहीं बात करेंगे, उनके लिए करेंगे, बात कर रहे हैं। ये बड़ा विचित्र है। मनोज सोनी जी लिख रहे हैं, हरीश जी मैं नागौर राजस्थान से, मनोज कुमार सोनी। हरीश जी, हकीकत में अमेरिका भारत से डरता है, डरता ऐसे कि भारत आने वाले समय में महाशक्ति बनेगा, ये चिंता अमेरिका को सता रही है। ये बात तो है ही भाई। अमेरिका ने अभी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने धमकाया कि रूस का बायकॉट करो, सारे यूरोप के लोग बायकॉट कर दिए। मेरे यूरोप में कई रिश्तेदार रहते हैं दोस्त, बताते हैं कि जो लोन लिया उन्होंने उसमें 50% तक इंटरेस्ट में इजाफा हो गया। आप सोचिए, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। यूरोप के कई देशों में दवाई नहीं मिल रही है, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं ये बनाते ही नहीं। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा अब खरीद लेंगे, मिल ही नहीं रही है। और जो भी लोग होंगे वहां बताइएगा, इस समय पूरी दुनिया में और जो विकसित देश है, खास करके यूरोप, अमेरिका, वहां की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी। अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल और गैस का आयात बंद करो, यूरोप को करना पड़ा, भारत ने नहीं किया। भारत वहीं का तेल खरीद के यूरोप को बेच रहा है, तो भारत सुन ही नहीं रहा। तो अमेरिका के लोग या अमेरिका का मीडिया या अमेरिका की सरकार कभी चाहेगी कि भारत में एक मजबूत सरकार बने? वो तो चाहेगी कि लड़खड़ाने वाली सरकार बने, कमजोर सरकार बने, ताकि वो हमारी बात सुने। आप सोचिए। और सिर्फ समाचार पत्र नहीं, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, उनकी तरफ से भी भारत को लोकतंत्र में चुनाव के दौरान मर्यादाओं का उपदेश दिया गया। वो भी उपदेश दे रहे हैं जबकि अदालत के फैसलों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए इस रिपोर्ट को। वी होप दैट इन इंडिया .. यूएन ऑन अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट, अरविंद केजरीवाल न्यूज, द यूएन रिस्पॉन्स केम ए डे आफ्टर द यूएस ऑल्सो रिएक्टेड टू अ सिमिलर क्वेश्चन ऑन अरविंद केजरीवाल्स अरेस्ट एंड फ्रीजिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टीज बैंक अकाउंट्स। हंसा पटेल जी ने लिखा है, इन सबसे यही साबित होता है कि केजरी एक प्लांटेड लीडर हो सकता है और ये सब भारत की बढ़ती शक्ति से परेशान है, फिर से पहले जैसा मदारी का देश ही देखना चाहते हैं। यही तो सच है ना, मदारियों का देश था ना, ये बना दिया था ये नेहरू गांधी परिवार ने। एक रविंदर सिंह जी ने लिखा है, श्री मोदी फाइटिंग सच एलिमेंट्स नॉट विद इन ओनली बट इंटरनेशनली ऑल्सो, इट इज आवर बर्डन ड्यूटी इज टू कम आउट इन लार्ज नंबर्स। रमेश परासर जी लिख रहे हैं, ये संजय सिंह बहुत झूठा और गंदा आदमी है, इसको बाहर नहीं आने देना था। अब देखिए, ये तो कोर्ट ने किया है, इस पर तो कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। और आप देखिए, मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस बयान से पहले जो मैंने अभी आपको दिखाया, अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल के लिए फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की मांग कर दी। अमेरिका ने मांग कर दी जबकि वो जानता है
अमेरिका को तो पता होना चाहिए, क्योंकि वहां का तो लोकतंत्र भी अच्छा है, कोर्ट कचहरी सब बहुत अच्छा सिस्टम है, जुडिशियरी का सबसे मजबूत है। वो जानता है कि ये फैसला सरकार का नहीं है बल्कि भारत की एजेंसियों का है, न्यायपालिका का आदेश है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। ये अमेरिका को पता है दोस्तों, लेकिन फिर भी अमेरिका ने कहा। अब आप सोचिए, यहां तो इस दुनिया में तो वही चलता है, जिसके पास ताकत है उसी की सत्ता चलेगी, उसी का कानून चलेगा, वरना ऐसी कौन सी वजह है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में पांच ही देश जो भारत से बेहद कमजोर हो चुके हैं, कई देश वो वीटो कर देंगे, बस सब खत्म। और भारत को यह ताकत मिल रही थी आजादी के बाद, लेकिन नेहरू ने उसको लिया नहीं। अमेरिका भारत को दोस्त बनाना चाहता था, उसने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप आपको देंगे, चीन को नहीं देंगे। नेहरू ने ठुकरा दिया, बोला नहीं, चीन को दीजिए, चीन ही को मिलना चाहिए। अब बताइए, वो देशभक्त हो गए और चीन को जवाब दे रहे हैं मोदी जी, वो देशद्रोही हो गए। ये तो कमाल है। अब ये तो जनता की बात है, जनता क्या। मुझे एक आदमी ने बहुत सही कहा कि ये देश तो बड़ा विचित्र है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सिख नरसंहार का दोषी है, जो पार्टी जिसका प्रधानमंत्री खुलकर कह चुका है कि बड़ा बरगद गिरता है तो धरती हिलती है, वो कांग्रेस पार्टी पंजाब में सरकार बना बैठी फिर से। तो ये परिस्थिति पैदा हुई क्यों, आप सोचिए। क्योंकि इनको पता है कि थोड़ा सा लोभ लालच दो, थोड़ा सा सिस्टम में हेर फेर करो, दो चार समुदाय के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हो, ये जीत जाएंगे। इसीलिए तो पहले भूरा बाल माई और क्या क्या समीकरण चलते थे, और ये खुलेआम होता था, किसी को शर्म नहीं आती थी। और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ कुछ जातियों धर्मों के साथ एग्रीमेंट हो गया था। यहां पर बैठ करके जामा मस्जिद के इमाम बोलते थे कि मैसेज निकालते थे कि हमारा सपोर्ट इसको होगा। आप भूले नहीं होंगे, अगर भूल गए हो तो वो गूगल में जाते ही सर्च करते मिल जाएगा दोस्तों। तो इन परिस्थितियों के बीच भी ये अमेरिका देखिए क्या कह रहा है। यूएस एनकरेजेज, रॉयटर्स की रिपोर्ट बता रहा हूं, फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर अरेस्टेड इंडियन अपोजिशन फिगर। तो ये बदनाम करने का तरीका है। और हालांकि मैंने देखा कि अमेरिका के इस एकतरफा बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को दो टुक जवाब दिया। ये मोदी का देश है, ये मनमोहन सिंह वाला नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे चल जाएगा, कि मनमोहन सिंह के राज में पाकिस्तान ने हमला किया, ये जाके उससे भीख मांग रहे हैं, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है गोरु गाय बोलता है। आपको भूल तो नहीं गए ना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में ऐसा नहीं है। अमेरिका को भी दो टूक जवाब दिया गया। यूएस रिमार्क्स ऑन केजरीवाल केस अनएक्सेप्टेबल, गवर्नमेंट ने साफ कहा। फिर देखा कि ये सब हो रहा है, फिर जर्मनी का भी आ गया, देख लीजिए, जर्मनी ने भी ऐसा ही बयान दिया था। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके से कड़ी प्रतिक्रिया दी, जर्मनी का सुर बदल गया, फिर बोला, लेकिन भारत ने जरा भी देर नहीं लगाई दोस्तों। और मैंने आपको दिखाया कि इनके दूतावास से जब बुलाया गया अधिकारियों को, तो 5 मिनट में समझा दिया गया कि यहां दखल मत दीजिए, भारत का अंदरूनी मामला है, यहां का लोकतंत्र तो यहां के संविधान से ही चलेगा, आपसे नहीं चलेगा। कि यहां कोई गुनाह भी कर ले, कुछ भी कर दे, और ईडी ने कितना बढ़िया आर्ग्यूमेंट पेश किया था दोस्तों, कि कोई नेता किसी सेना में जा करके अफसर में वहां बम से उड़ा दे और बोले कि जी चुनाव में हमको गिरफ्तार मत करो, ये कौन सा तर्क है। और अभी उस पर फैसला भी नहीं आया, उस पर आएगा तो देखना पड़ेगा कुछ क्या होता है। लेकिन मजेदार बात जानते हैं कि ये जो विदेशी कॉकस है, ये गठजोड़ है, ये इतना खतरनाक है दोस्तों। जैसे वो लेफ्ट वाली एक अदा होती है ना, कि मतलब भूखे मर जाएंगे लेकिन बदलेंगे नहीं, इतना दिमाग में ठूस दिया गया है, इस तरीके से बदल दिया गया है। अब देखिए ना, अमेरिका ने फिर दोबारा ये सब जानते हुए फिर से बयान दिया। यूएस स्पीक्स अगेन ऑन अरविंद केजरीवाल मेंशंस फ्रोजन कांग्रेस अकाउंट।
मोदी का पारिवारिक लिखते हैं, जॉर्ज सोरोस इज नॉट अलोन, ही इज पार्ट ऑफ एंटी इंडिया क्लब। फिर बिपिन लाल वर्मा बहादुरगंज लिख रहे हैं, संजय सिंह को सशर्त जमानत मिली है फिर भी सारे शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, इसका जल्द जमानत रद्द कर जेल भेज देना चाहिए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, देशमुख जी लिख रहे हैं, हरीश जी न्यूज को पेश करने का अंदाज निराला है, आपके बहुत रिसर्च के बाद आपकी न्यूज तैयार होती है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर आपको देशमुख जी। अब आप देखिए, आपको एक डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, एकदम पकड़ में आ गया, और चूंकि ये सरकार काम करती है इसलिए ये बात है। आप देखिए इस रिपोर्ट को पढ़िए, भारत की आलोचना, पाकिस्तान की चुप्पी, केजरीवाल और इमरान पर कैसे फंस गया अमेरिका। जानते हैं अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर, उनसे सवाल पूछा गया कि आप केजरीवाल पर तो बड़ा बोल रहे हैं, अदालत ने फैसला दिया, लोकतंत्र भी है, चुनाव भी हो रहा है, मोदी को भी गालियां पड़ रही हैं, लेकिन आपने इमरान खान पर तो कुछ नहीं कहा, उसकी तो पार्टी बैन कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई, आपने उस पर तो एक शब्द नहीं बोला, आपने तो चुप्पी साध ली, मौन व्रत धारण कर लिया, जानते हैं कुछ नहीं कहा, गोलमोल जवाब देने लगे, जलेबी बनाने लगे, जवाब ही नहीं निकला। पाकिस्तान में ठीक है, भारत में खराब है, कमाल का तर्क दिया इन्होंने। लेकिन ये तो हमारे और आपके समझने की चीज है दोस्तों, ये हमारे और आपके सोचने समझने की बात है कि हम कैसे देखते हैं, क्या हम अपने घर की सुरक्षा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो दूसरा सिस्टम है उसने तय कर लिया है कि हमको तो बस चुनाव जीतना है, चाहे पूरा सिस्टम तहस नहस कर दे, चाहे विदेशी शक्तियों को भारत में आमंत्रित करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमको तो बस चुनाव जीतना है, चाहे जाति संप्रदाय क्षेत्र में कुछ भी हो जाए, कहीं कोई भी विघटन हो जाए। कैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का जलेबी बनाते हैं, और आज तो पता नहीं आपने देखा कि नहीं दोस्तों, कि जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो साउथ इंडिया, पहले बोला कि अब सवाल नहीं लेंगे, फिर बोला नहीं 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 नहीं, एक साउथ इंडिया के पत्रकार हैं, सवाल लीजिए, साउथ इंडिया साउथ इंडिया ऐसे कर रहे थे, पत्रकार साहब खड़े हुए तो वो उनको बधाई दे रहे हैं कि आप सारी सीटें जीतेंगे, वो सर्टिफिकेट बांट रहे थे, किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि ये गोदी मीडिया है या नहीं है। अब आप सोचिए भाजपा और शिवसेना पे महाराष्ट्र में कोई बोल दे तो क्या होगा, मैं वो वीडियो निकाल नहीं पाया दोस्तों, वरना मैं आपको दिखाता, आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आप देखिए। तो ये सारे सिस्टम तोड़ देना चाहते हैं, जब इनके राज्य में बंगाल में महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं के साथ दुराचार होता है, ये चुप्पी साध लेते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में अगर दलितों के साथ अत्याचार होता है, ये चुप्पी साध लेते हैं, जब इनकी पार्टी के इनके साथ के लोग पूरे के पूरे धर्म को सनातन संस्कृति को खत्म कर देने की बात करते हैं तो किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन भाजपा में, चूंकि भाजपा को हराना है तो इन्होंने भारत और मोदी एक समकक्ष मान लिया, समानांतर मान लिया है, इन्होंने मोदी विरोध और भारत विरोध एक जैसा मान लिया है, बड़ा विचित्र परिस्थिति है दोस्तों। लेकिन भारत जो नया भारत है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मेहनत से काफी आगे लेकर गए हैं, और इसीलिए अमेरिका हो या जर्मनी हो, दोनों की सरकारों को भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया, दो टूक जवाब दिया। इधर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक बयान के जरिए इन दोनों देशों को करारा जवाब दिया और कहा कि हमें किसी देश के नसीहत की जरूरत नहीं है, भारत के पास एक स्वतंत्र और मजबूत न्यायपालिका है। तो ये तो विदेशी मीडिया की खबर हुई दोस्तों। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर की जानकारी देता हूं,
जोगिंदर राव रिक्स लिख रहे हैं, हिंदू सनातनी भाई आप बिल्कुल सत्य और सर्वोत्तम बात कह रहे हैं, आप लोग भी संवाद कर रहे हैं ये और अच्छी बात है। प्रदीप जी लिख रहे हैं, अब केजरी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पर लगाकर जल्दी फैसला किया जाना चाहिए और ऐसे को अपराधी सिद्ध होने पर फांसी हो भी। ये तो ये लोग खुद ही बोलते हैं कि इन लोगों को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अब आपके सामने दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण खबर जो बिल्कुल एकदम दिमाग को जैसे कहते हैं ना झंकृत करने वाली, वो खबर आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, स्कूल चिल्ड्रन इन पीएम मोदी रोड शो, हाउ इज इट अ क्रिमिनल ऑफेंस, आस्क मद्रास हाई कोर्ट, द हिंदू की खबर है। अब ये खबर आपके लिए हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई मोदी जी के रोड शो में जा रहा है तो संभव है, और बच्चे जा रहे हैं तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु में यही हुआ है दोस्त, आप हैरान हो जाएंगे, और हाई कोर्ट को सख्त कमेंट करने पड़े हैं। जानते हैं मामला क्या है, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च को कोयंबटूर में उनका रोड शो था, और इस दौरान जब रोड शो चल रहा था तो एक स्कूल है बाबा विद्यालयम स्कूल, अब इस स्कूल के बच्चे ड्रेस में थे तो सबको लगा कि अरे मोदी जी गुजर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, चलो देख लेते हैं। वो देखने पहुंच गए, बस इतना ही किया। अब वो देखने पहुंचे तो कोयंबटूर पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट पर केस दर्ज कर दिया, और केस कैसे दर्ज किया ये भी सुन लीजिए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, उसने एक शिकायत की, और उसने कैसे शिकायत की ये भी सुन लीजिए। उसने मीडिया में देखकर शिकायत की, और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, उसके बाद स्कूल पर धारा 75 लागू कर दी गई, और ये कानून है किशोर न्याय अधिनियम 2015, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 75। और इसमें क्या है जानते हैं, बच्चों पर हमला करने, दुर्व्यवहार करने या जानबूझकर मानसिक शारीरिक पीड़ा पहुंचाने से जुड़ा हुआ मामला है, एफआईआर दर्ज हो गया। उसके बाद स्कूल प्रशासन के तो होश उड़ गए, तोते उड़ गए। देखिए बड़ा ध्यान से समझिए कि वही तमिलनाडु है दोस्तों जब राम मंदिर का शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर में, तो बैन कर दिया कि कहीं आप टीवी चला ही नहीं सकते इस कार्यक्रम को, भूल तो नहीं गए आप। और यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अरे आपने बैन कर दिया, हिंदू अपने देश में मंदिरों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं देख सकता। और तमिलनाडु का यह मामला है, अब सोचिए प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, बच्चों ने सिर्फ प्रधानमंत्री को देख लिया तो केस दर्ज हो गया। और तब हाईकोर्ट ने सवाल पूछा जस्टिस जी जय चंद्रन ने कि भाई ये कौन सा मामला है कि अगर प्रधानमंत्री को देखने बच्चे पहुंच गए तो आप केस दर्ज कर देंगे, इतना भारी केस दर्ज कर देंगे। आप सोचिए इस पर अभियोजन पक्ष ने क्या जवाब दिया, वो भी मैं सुनाता हूं। उसने कहा कि स्कूल ने 32 छात्रों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर रोड शो दिखाने के लिए ले जाकर उन्हें बेवजह मानसिक और शारीरिक पीड़ा में डाल दिया, क्योंकि उनके माता पिता को ले जाने के लिए स्कूल आने में देरी हुई थी। कहानियां सुनिए। इसके बाद साईं बाबा विद्यालय मिडिल स्कूल के अधिकारियों ने कहा कि यह शिकायत झूठी है और केवल स्कूल प्रबंधन को परेशान करने और बदला लेने के मकसद से दर्ज की गई है। फिर जस्टिस जयचंद्रन ने हैरानी जताई और कहा कि क्या केवल जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कहने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है, और वो भी तब जिन्हें घटना के बारे में सिर्फ मीडिया से पता चला है, मीडिया रिपोर्ट से पता चला है, जबकि किसी भी माता पिता ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, ना ही रोड शो में कोई दुर्घटना हुई है। और इस दौरान दोस्तों अदालत ने, हाई कोर्ट ने पुलिस को मीडिया रिपोर्टों से प्रभावित होने को लेकर चेतावनी दी, 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। और इस मामले में जस्टिस जयचंद्रन ने क्या कहा
वो भी मैं आपको दिखाता हूं। बड़े ध्यान से देखिए क्या कहते हैं कि जब हम बच्चे थे, हम सभी चुनाव प्रचार के दौरान मशहूर हस्तियों और राजनेताओं से मिलने जाते थे। इस मामले में बच्चे का इस्तेमाल किसी भी चुनाव अभियान के लिए नहीं किया गया था, उन्होंने बस एक रोड शो देखा था। ऐसा नहीं था कि बच्चे झंडा लेकर पहुंच गए भाजपा के। भाई प्रधानमंत्री गुजर रहा है तो बस देखने पहुंच गए, लेकिन उन पर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। लेकिन वहां लोकतंत्र सुरक्षित है पूरी तरह से। गजब का डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों, गजब का। जो लोग सोचते हैं ना, ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो मोदी विरोधी हैं। ये जो बोलने का भी अधिकार है ना, अगर दूसरे की के राज आ गए ना तो ये बोलने का अधिकार भी छिन जाएगा। अभी तो ये है कि हम भी वीडियो बनाते हैं और मोदी को गाली देने वाले भी बना रहे हैं। हमारा तो फिर भी कम चलता है, ये जो मोदी विरोधी हैं तो मिलियंस में पहुंच जा रहे हैं। कौन देख रहे हैं ये भी आपसे छिपा नहीं है। तो वो ही बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, अभी तो वो ही ज्यादा बोल रहे हैं। तो ये स्थिति तमिलनाडु की, आप कल्पना कीजिए कि अगर सरकार कहीं बदल जाए तो इस देश में कैसी स्थिति होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सारी खबरें मैंने बहुत मेहनत के साथ दोस्तों ये कोशिश की कि जो विदेशी मीडिया का एक एजेंडा है, एक साजिश है, उसको बेनकाब कर सकूं। जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में कायदे से तमिलनाडु के भीतर हो गया, बंगाल में जिस तरह की स्थिति हुई, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं एक सूचना और देना चाहता हूं दोस्तों कि आज मैंने HB मेलोडी में एक गीत अपलोड किया है, बड़ा अच्छा गीत है, सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ गीत है, जन जन से जुड़े हैं मोदी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक झलक आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, आप देखिए और जरा इसको देखिए कैसा गीत बनाया है। जन जन से जुड़े हैं मोदी, हमें ऐसी योजना दे दी। जन जन से जुड़े हैं मोदी, हमें ऐसी योजना दे दी। गरीबी के उन्मूलन की साक्षी बनेगी यही सदी, साक्षी बनेगी यही सदी। जन जन से जुड़े हैं मोदी, हमें ऐसी योजना दे दी। गरीबों को जब अन्न मिला, तब चेहरों पर पुष्प खिला। पोषण योजना बनी आधार, कुपोषण का खतरा टला। उम्मीद की झोली भर दी, जन जन से जुड़े हैं मोदी। गरीबी के उन्मूलन की साक्षी बनेगी यही सदी, यही सदी। जन जन से जुड़े हैं मोदी, हमें ऐसी योजना दे। तो ये गाना है दोस्तों, ये गीत है। मैंने आपसे वादा किया था कि संगीत के क्षेत्र में भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो ये HB मेलोडी ये नया चैनल बनाया है और इसमें राष्ट्रवाद पर आधारित या सनातन धर्म पर आधारित ये गीत तैयार कर रहा हूँ। एक एक गीत पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद इसमें जरूर मिले। पूरा गीत इस प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए, लोगों के साथ साझा भी कीजिए, लोगों को बताइएगा। ये भी एक जीवन का पक्ष है दोस्तों, और इस पक्ष से भी जुड़ना बड़ा जरूरी है। और मैंने कल आपसे वादा किया था कि अगर आप कुछ शेयर करेंगे तो वो भी हम साझा करेंगे आपके साथ। आप अपने वीडियो भी छोटे छोटे अगर भेजेंगे तो वो हम साझा करेंगे, आपकी खुशियों को भी साझा करेंगे। तो मैंने
एक चंद्रभूषण जी ने मुझे एक वीडियो भेजा और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से भेजा, मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने मेरा एक गीत है ना होली पर, तो उन्होंने अपने घर में जो 3 गैजेट है उनमें लगाया इस गीत को और बना करके भेजा है कि आपका ये गीत बहुत अच्छा लगा, मैं 3 पर चला करके सुन रहा हूँ। मैं, मेरा पूरा परिवार बहुत उत्साहित है इस गाने को सुन करके, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिसेंट वे में आपने तैयार किया है। तो ये वीडियो चंद्रभूषण जी ने भेजा है, तो इस वीडियो की एक झलक आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जरा आप देखिए। तो ये वीडियो मुझे मिला था दोस्तों, और मुझे भी खुशी मिलती है, आपकी खुशी में मैं शरीक हूँ और मेरी खुशी में आप भी शरीक हैं। तो इस गाने को जिस तरीके से भेजा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ भी आप साझा करें पॉलिटिकल, लेकिन थोड़ी भाषा की मर्यादा ज़रूरी है उसको दिखाने के लिए, तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं साझा करता हूँ उस पर आप भेजिए, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है आप देख रहे हैं, आप सहयोग भी करते हैं, लेकिन साथ के साथ आप इस नंबर पर अपने वीडियो, अपने विचार साझा कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी आप कोई वीडियो भेजेंगे, अगर वो शेयर करने योग्य होगा, और होगा ही मुझे लगता है, तो आपके वीडियो भी आप ही दर्शकों के बीच साझा करूंगा। एक नई शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें मेरे साथ आप लोगों की भी भागीदारी होगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों, सहयोग कीजिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेरा भी हौसला बढ़ाइए। और लाइव हूँ तो थोड़ा कमेंट भी पढ़ते हैं साथ के साथ। रमेश गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अगर हम इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे तो लाइव चैट में 5,000 लोग आने लगेंगे। रमेश गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुझाव के लिए, और मैं सभी से अपील करूंगा कि देखिए, हम तो मेहनत कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को लगा कर जुटा कर आपके सामने एक नैरेटिव डिकोड कर सकता हूं, लेकिन लोगों तक पहुंचाना हमारी ही जिम्मेदारी, आप ही की वजह से ये संभव है दोस्तों। वरना YouTube हमारे इकोसिस्टम में, इस इकोसिस्टम को हर पल रोकने और कुचलने की कोशिश करता है। मेरी बात हो रही थी, एक अंजू पंकज जी हैं, उनके चैनल पर कई स्ट्राइक मार दिए गए, और आप देखिएगा अगर उनके चैनल से आप जुड़ सकें तो जो भी लोग देश हित में कुछ बोल रहे हैं उनके चैनल पर स्ट्राइक मारा जा रहा है, उसे बंद करने की साजिश रची जा रही है। तो ये तो एक दिक्कत है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि हम बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे जहां से भी संभव होगा। अब आप फेसबुक जाइए, पहले एक एक वीडियो को 35,000-40,000 शेयर किया जाता था, अब वही वीडियो सारे रोक दिए गए, 1,000 तक भी नहीं पहुंचता। तो ये एक परिस्थिति मैं खुद देख रहा हूं, तो ये हमारे आपके हाथ में है। गोविंद भट्ट जी लिख रहे हैं, वी भारतीय विल टेक केयर ऑफ द डेमोक्रेसी। बिल्कुल शशि पुनेरा जी, यू हैव एनालाइज्ड इट परफेक्टली, फॉरेन मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड। बिल्कुल शशि जी, आप सही कह रहे हैं। कैलाश चंद्र धारियाल जी, तमिलनाडु में जो स्टालिन, उसका परिवार, ये सब .. नहीं पढ़ रहा मैं, लेकिन सबने पढ़ लिया। कंडरपा जी, सॉन्ग वेरी नाइस, थैंक यू सर। रमेश जी, सुंदर गीत, थैंक यू। गोपीनाथ जी लिख रहे हैं, व्हेन देयर वर चिल्ड्रेन ऑन राहुल्स भारत जोड़ो यात्रा, किसी ने कुछ कहा क्या? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल गोपीनाथ जी ने उठाया है कि भारत जोड़ो यात्रा में तो बच्चों को शामिल किया गया था, और सिर्फ इतना ही नहीं,
अगर 2019 का एक वीडियो दिखाऊं, वो चूंकि गाली गलौच है दिखा नहीं सकता, नीम का पत्ता कड़वा है ये कहकर प्रियंका वाड्रा बच्चों से गालियां कहलवा रही है। नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी ... है, ये वीडियो है और बच्चों से कहलवाया जा रहा है। किसी ने केस दर्ज किया क्या? तो ये आप सोचिए, लोकतंत्र कहां जीवित है। जयप्रकाश सोनी जी, सर जी सर दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगती है और देश में हो रहे घटनाक्रम की जानकारी होती है, थैंक यू सर। उर्मिला जी, आप बहुत अच्छे से समझाते हुए बहुत सही विश्लेषण करते हैं, थैंक यू उर्मिला जी। अल्ट्रा टेक्सटाइल सर्विसेज, दे आर अफ्रेड ऑफ इंडियन सेल्फ रिलायंस ऑन फूड एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। ललित जोशी, अति सुंदर जी, थैंक यू। धीरज पटेल, जय हो आपको। एनके चतुर्वेदी जी, मोदी जी हैज बिकम वर्ल्ड लीडर, दैट इज वाई वेस्टर्न पावर्स कांट डाइजेस्ट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा परमानंद यादव जी, हर्षित शर्मा जी और गणेश चौटाला जी, प्रवेश टंडन जी, जवाहर पंड्या जी, इन सबको नमस्ते। गोपाल शर्मा जी, डी के प्रस्ती जी, प्रहलाद जी, चावड़ा जी, एम शर्मा जी, इंदु जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आखिर में आता हूँ मैं, पुष्पेंद्र कुमार जी, डॉक्टर ए के तिवारी जी, कांग्रेस का घोषणा क्या लिख रहे हैं आप। कृष्णा हल्दर जी, वेरी नाइस, थैंक यू। जगदीश भारद्वाज जी, हाईली इंस्पिरेशनल, थैंक यू। दिलीप शाह, वॉचिंग फ्रॉम यूएसए, थैंक यू दिलीप शाह जी। मैंने तो आज अमेरिका की कई अखबारों के बारे में बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसमें कुछ और एड ऑन कीजिए। बल्कि दिलीप शाह जी, मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूँ, देखिए व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखा रहा हूँ, आप वहाँ के अखबारों को पढ़ते हुए और दिखाइए और बताइए कि कैसे अमेरिका में अखबारों की रुचि कैसे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप सोचिए। तो वो आप दिखाकर भेजेंगे तो वो मैं शामिल करूंगा। विजय पाल ऑफिशियल, आपको सुन के बहुत सारी जानकारी मिलती है, थैंक यू सर। बोधराज, अनिल कुमार जी लिखते हैं, हमारा लोकतंत्र अगर खतरे में है तो भी विदेशियों के पीछे क्यों आग लगी है। अशोक कुमार, भूपत खेनी जी, चावड़ा जी, आप सभी को जय सियाराम, प्रणाम। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों, जय सियाराम।